हमें ज़िंदगी में सब कुछ एकदम से चाहिए, हमें अल्लाह भी एकदम से चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआएं भी फ़ौरन कबूल हों। हम ये चाहते हैं कि हम एकदम से पांचों नमाज़ें पढ़ना शुरू हो जाएं, पक्के मुसलमान बन जाएं। और हम ये भी चाहते हैं कि हम रोज़ तहज्जुद उठ के पढ़ें और हमें कामयाबी भी जल्दी मिल जाए और ज़िंदगी में जो कुछ हमें चाहिए वो फ़ौरन से मिल जाए। ये तो सच है कि कुरान इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त भी यही है कि उसे सारी ज़िंदगी पढ़ा जाए। सालों बाद, हफ्तों बाद या फिर महीनों बाद, एक दिन इसे पढ़ लेने से ज़िंदगी अचानक से नहीं बदल सकती। जैसे जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास थेरेपी के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक सेशन से आपको इतनी तस्कीन नहीं मिलती, इसलिए आप तब तक सेशंस लेते रहते हैं जब तक आपको सारे जवाब नहीं मिल जाते। जब एक इंसान आपको मुतमईन कर सकता है तो फिर सोचें अल्लाह क्या कुछ कर सकता है। जितना वक्त आप दुनिया के थेरेपिस्ट को देते हैं, उससे आधा वक्त भी अगर आप अल्लाह को देकर देखें, अल्लाह के साथ रोज़ 20 मिनट का एक सेशन लगा कर देखें, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद कैसे पलट जाएगी। आपको इलम भी नहीं होगा, कुरान न सिर्फ आपके हालात बदल देगा बल्कि आपको भी बदल देगा, इतना कि आप अल्लाह से और अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगेगा। आप एक एक आयत करके कुरान को पढ़ते जाएं, अल्लाह एक एक करके आपके लिए अपनी मदद के दरवाजे खोलता जाएगा। जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया है वो आपको एक अच्छे अंजाम तक पहुंचा कर रहेगा।